विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में फोटोग्राफर्स एवं मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव ने बताया कि विश्व फोटोग्राफी दिवस पर लोगों ने रक्तदान कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव ने कहा कि एक व्यक्ति के ब्लड देने से 4 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ब्लड डोनेट करने से हृदय रोग, बीपी जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव ने कहा, पहली बार सब करते हैं, आइए बाकी पानी है। अच्छा ठीक है। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय के रक्तकोष में किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक रूप से लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। आम जनमानस को आकर के जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष है, स्वस्थ हैं, उनको स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए, जिससे समाज में जूझ रहे थैलेसीमिया के मरीज, गंभीर रोगी, जननी सुरक्षा योजना के HIV एड्स के मरीजों की जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता की जा सके और किसी तरह के ब्लड की किसी को कमी न हो। रक्तदान करने से अपना तो फायदा हो, दूसरों का फायदा होता है, साथ साथ अपना भी फायदा होता है। नियमित रूप से रक्तदान करने से रक्तदाता को किसी तरह की ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती है। तो मेरा यह है कि स्वैच्छिक रूप से आकर रक्तदान करें और जिंदगियां बचाएं। आपके एक रक्तदान से 4 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है।